हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फार्माकोजेनेटिक्स और फार्माकोजेनेटिक्स को यूज करके फार्माकोजिनोमिक्स पढ़ने वाले हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ? देखो, फार्माकोजेनेटिक्स पढ़ते हैं हम इसलिए क्योंकि जो हम ड्रग देते हैं वो वेरिएबल इफेक्ट दिखाती है, और जो वेरिएबल इफेक्ट दिखाती है ये जीन के कारण होती है। क्योंकि जीन में क्या होता है? पॉलीमॉर्फिज्म होता है। जीन में क्या होता है? पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? सिंगल जीन की बहुत सारी एलील्स होती हैं, तो वो क्या कहलाता है? पॉलीमॉर्फिज्म कहलाता है। पॉलीमॉर्फिज्म यहाँ नहीं बताए लगेंगे तो ठीक है। और ग्रेटर देन 1% अगर होता है पॉलीमॉर्फिज्म, जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म, तो उसे क्या कहते हैं? सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। ये तो चीज़ें बेसिक हैं, आप लोग पढ़े होंगे। तो हम यहाँ पर फार्माकोजेनेटिक्स समझेंगे और फार्माकोजेनेटिक्स का हम यूज देखेंगे एज अ फार्माकोजिनोमिक्स, क्योंकि फार्माकोजेनेटिक्स हमको पता होगी तभी हम दवाई दे पाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं फार्माकोजेनेटिक्स। फार्माकोजेनेटिक्स क्या है? फार्माकोजेनेटिक्स हम किसी ड्रग के लिए पढ़ते हैं कि उस पर जीन का इफेक्ट क्या है। तो ये क्या होता है? स्टडी ऑफ जेनेटिक बेसिस ऑफ वेरिएबिलिटी स्टडी ऑफ जेनेटिक बेसिस ऑफ वेरिएबिलिटी इन ड्रग रिस्पॉन्स। जो ड्रग का रिस्पॉन्स होगा उसकी वेरिएबिलिटी जेनेटिक बेसिस पे कैसी है उसको हम अगर पढ़ेंगे तो वो आएगा फार्माकोजेनेटिक्स के अंदर। अब फार्माकोजेनेटिक्स, या सिंपली कह दो जीन इफेक्ट ऑन ड्रग एक वर्ड में क्या कह सकते हो? जीन इफेक्ट ऑन ड्रग क्या कहलाता है? फार्माकोजेनेटिक्स कहलाता है। अब देखो, जो ड्रग होता है उसके लिए टारगेट क्या होता है? जेनेटिक कोड। तो ड्रग के लिए टारगेट क्या होता है? जेनेटिक कोड। ड्रग टारगेट क्या होता है कि ड्रग कहाँ जाके बाइंड करे, कहाँ बाइंड करती है? जेनेटिक कोड पे बाइंड करेगी ना, जेनेटिक कोड पे बाइंड करती है। तो ड्रग टारगेट होता है जेनेटिक कोड। अब मान लीजिए आपने किसी पजल को क्या दिया? नॉर्मल डोज दिया। अब उसमें क्या हो रहा है? अगर टॉक्सिसिटी शो हो रहा है, टॉक्सिसिटी हो गया उसमें, इसका मतलब जो जीन थी वो लेस पावरफुल थी। जीन क्या थी? लेस पावरफुल थी। जो हमने डोज दिया उसको यूटिलाइज नहीं कर पाई, उसको मेटाबोलाइज या उसको यूटिलाइज नहीं कर पाई, जिसके कारण टॉक्सिसिटी हो गई। तो इसका मतलब है जीन क्या है? लेस पावरफुल है। अगर क्या हो गया? ड्रग फेल्योर हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि जीन क्या है? मोर पावरफुल है। जीन क्या है? मोर पावरफुल है, और जितना ड्रग हम डोज दे रहे हैं उतना सुफिशियंट नहीं है, ठीक है? तो ड्रग फेल्योर हो गया, ये कंडीशन हुआ। अब इसी को हम क्या करते हैं? पढ़ते हैं और इसी का यूज करते हैं फार्माकोजिनोमिक्स में। तो फार्माकोजिनोमिक्स क्या है? सिंपली क्या है? फार्माकोजेनेटिक्स का यूज करके किसी पर्सन के लिए डोज का निर्धारित करना या दवाई का निर्धारित करना कि इस पर्सन पे ये दवाई काम करती है। तो अगला होगा फार्माकोजिनोमिक्स। अगला है फार्माकोजिनोमिक्स क्या होता है? यूजेज ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन टू गाइड द ड्रग ऑफ चॉइस। यानी कि हम ड्रग ऑफ चॉइस पता कर सकते हैं। तो गाइड द ड्रग ऑफ चॉइस एंड डोज ऑन इंडिविजुअल पर्सन
क्या कहलाएगा, फार्मेको जीनोमिक्स, यानी कि इंडिविजुअल पर्सन के लिए होता है। तो इसका ये क्या है कि इंडिविजुअलाइजेशन हो गया ड्रग का, कि इस पर्सन पे ये ड्रग इफेक्टिव है। तो जब ये चीज हमको पता होगा तो हम मान लो किसी में ड्रग फेलियर है, कोई ड्रग दे रहे थे वो क्या कॉज कर रहा था, ड्रग फेलियर हो रहा था, वो इफेक्ट नहीं कर रहा था, तो हम डोज को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे, डोज को इंक्रीज कर देंगे उस कंडीशन में। अगर ड्रग टॉक्सिसिटी हो रही होगी तो हम क्या कर देंगे, डोज को घटा देंगे। तो ये हमको फार्माकोजेनेटिक्स पता हो गया ड्रग का, अब हम उसको पर्सन पे यूज कर सकते हैं। तो ये फार्माकोजेनेटिक्स के बारे में बात हो गया। अब देखते हैं हम पॉलीमॉर्फिज्म, यानी कि टारगेट पॉलीमॉर्फिज्म देखते हैं, यानी कि इसमें देखेंगे कौन से जीन है जो पॉलीमॉर्फिज्म शो कर रहे हैं और कौन सी ड्रग है जो इंटरेक्ट कर रही है इससे और क्या करवा रही है। तो हम बात करने जा रहे हैं टारगेट पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में। जो टारगेट पॉलीमॉर्फिज्म होता है यही रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्रग इफेक्ट वेरिएशन। और इनमें से भी 25% जो ड्रग वेरिएशन होता है, इफेक्ट वेरिएशन होता है, वो होता है ड्यू टू विटामिन के ऑक्साइड रिडक्टेज और होता है, एक और होता है CYP2C9 पॉलीमॉर्फिज्म। तो इनके कारण क्या होगा, 25% ड्रग वेरिएशन होता है, ड्रग इफेक्ट वेरिएशन होता है। तो ये बात हो गया कि जनरल चीज टारगेट पॉलीमॉर्फिज्म क्या है। अब हम देखते हैं इंडिविजुअली कि कौन सी पॉलीमॉर्फिज्म होती है और क्या वो करती है। तो पहला यही लिख देते हैं BKOR C1 जीन पॉलीमॉर्फिज्म, जो ये जीन होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है रिड्यूस विटामिन सी को एक्टिवेटेड विटामिन सी में चेंज करने में। और एक्टिवेटेड विटामिन सी होगा तो वो कॉगुलेशन फैक्टर को एक्टिवेट करता है, और कॉगुलेशन फैक्टर और प्रोटीन सी और प्रोटीन एस को भी क्या करता है, ये एक्टिवेट करता है, जिससे कॉगुलेशन होता है। लेकिन अगर यही BOKRC जीन जो हो गया हाई मोर पावरफुल हो गया, लेस पावरफुल हो गया, तो उस इफेक्ट में क्या होगा, कंडीशन चेंज हो जाएगा और इफेक्ट वेरी कर जाएगा। तो ये जो होता है नॉर्मली देखा जाए तो जो विटामिन के है ये एक्टिव विटामिन के में चेंज हो जाता है, एक्टिव विटामिन के में चेंज होता है बाय द एंजाइम विटामिन के ऑक्साइड रिडक्टेज से, और जो विटामिन के ऑक्सीडाइज रिडक्टेज होता है ये इनहिबिट करता है किसको, वारफेरिन को। अब जो एक्टिव विटामिन के है ये बाय द गामा कार्बोक्सिलेज के द्वारा ये एक्टिवेट कर देता है कोगुलेशन फैक्टर को, जो सेकेंड होता है कोगुलेशन फैक्टर सेकेंड, सेवेंथ, नाइन्थ और टेंथ को, और साथ में ये एक्टिवेट करता है प्रोटीन सी एंड एस को, जो क्या है, एंटी कोगुलेंट है, यानी कि ये रेगुलेट कर रहा है फैक्टर को भी स्टिमुलेट कर दे रहा है और एंटी कोगुलेंट यानी कि बैलेंस बनाए हुए हैं। लेकिन अब क्या हुआ, जो अगर BKOR जो है वो मोर पावरफुल हो जाए, मतलब BKORC जो जीन है वो मोर पावरफुल हो जाए, यहाँ पे BKORC जीन लिखो,
बी के ओ आर सी वन जीन अगर क्या हो जाए, मोर पावरफुल हो जाए, तो मोर पावरफुल हो जाएगी। मोर पावरफुल हो गया तो आगे पढ़ाए थे क्या था, पावरफुल अगर मोर हो जाएगा तो जीन यानी कि मोर पावरफुल है तो क्या होता था, ड्रग टॉक्सिसिटी होता था ना, ड्रग टॉक्सिसिटी होता था। और लेस पावरफुल है तो सॉरी क्या होता था, ड्रग फेल्योर होता था, ड्रग फेल्योर होता था। तो मान लो बी के ओ आर सी है वन जीन मोर पावरफुल हो जाएगा, इस कंडीशन में जो बी के ओ आर है वो इंक्रीज हो जाएगा, बी के आर एक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। अब उसका फॉलोइंग देख सकते हो क्या हो जाएगा, विटामिन अगर ये डिक्रीज हो गई तो एक्टिव विटामिन के डिक्रीज हो जाएगा और फैक्टर भी क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। वहीं पर अगर जो ये जीन है अगर लेस पावरफुल है तो जो विटामिन के ऑक्साइड रिडक्टेज है ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा और आगे आगे सब क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। तो ये बात हुआ बी के ओ आर सी पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में। अब हम अगला देखते हैं, अगला पॉलीमॉर्फिज्म देखते हैं। देखो बहुत सारे एग्जांपल हैं पॉलीमॉर्फिज्म के, तो टारगेट पॉलीमॉर्फिज्म हल्का बड़ा है। देखो अगला पॉलीमॉर्फिज्म देखते हैं, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म को पी हमें से लिखते हैं, ठीक है, बार बार को लिखेगा तो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम पी पॉलीमॉर्फिज्म होगा। तो ये ए सी ई इनहिबिटर जो ए सी ई इनहिबिटर होगा उसका इफेक्ट क्या कर देगा, डिक्रीज करवा देगा। दूसरा देखते हैं बीटा टू रिसेप्टर पॉलीमॉर्फिज्म हो गया अगर, तो बीटा टू रिसेप्टर पॉलीमॉर्फिज्म के कारण बीटा टू एगोनिस्ट जो ड्रग होंगी उनका इफेक्ट क्या होता है, डिक्रीज होता है। एचएमजी को एंजाइम ए सिंथेज रिडक्टेज अगर पॉलीमॉर्फिज्म होता है तो स्टेटिन का इफेक्ट क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। ये कुछ पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में बात हुआ। अब हम पढ़ते हैं अगली पॉलीमॉर्फिज्म आर वाई आर जीन पॉलीमॉर्फिज्म को पी ही लिखेंगे यार, ज़्यादा ही बड़ा लिख देता हूँ, डिलीट करता हूँ। इसमें क्या होता है, देखो कुछ ड्रग होते हैं जैसे कि हैलोथेन, लिकोकेन, ये सब हाइपरथर्मिया कॉज करते हैं, मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया कॉज करते हैं, क्योंकि इनमें क्या होता है राइनोडीन रिसेप्टर जो होते हैं वो एबनॉर्मल होते हैं। राइनोडीन रिसेप्टर जब एबनॉर्मल होते हैं तो कैल्शियम का रिएप्टेक बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और एटीपी ज़्यादा यूटिलाइज होती है। एटीपी यूटिलाइज होगी तो एनर्जी क्या होगा, रिलीज होगा, उस एनर्जी से क्या हो जाता है, हाइपरथर्मिया हो जाता है, मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया। तो आर वाई आर जीन जो है पॉलीमॉर्फिज्म, अगर ये आर वाई आर जीन जो है वो मोर पावरफुल हो तो इस कंडीशन में आर वाई आर जो होगा, एक मिनट, देखो जब आर वाई आर जीन है, मोर पावरफुल है, तो आर वाई आर मतलब क्या है, राइनोडीन रिसेप्टर जो है वो इंक्रीज हो जाएंगे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, तो जो राइनोडीन रिसेप्टर है वो इंक्रीज हो गए। अब इस कंडीशन में हम क्या किए, ड्रग दिए, हैलोथेन दे दिया
लिगोकेंडिया या सक्सिनिल कोलीन दे दिया। तो जो ये हाइलोथेन लिगोकेन और सक्सिनिल कोलीन होंगे, जितना रिसेप्टर भाई रिसेप्टर ज्यादा हो चुके हैं, तो जितने रिसेप्टर होंगे सब पे क्या करेंगे, एक्ट करेंगे, ठीक है, जिसके कारण क्या होगा, कैल्शियम का अपटेक रीअपटेक बढ़ जाएगा, इंक्रीज Ca+2 रीअपटेक बाई Ca+2 एटीपेज, Ca+2 एटीपेज। अब Ca+2 एटीपेज आएगा तो क्या करेगा, ब्रेक डाउन ऑफ एटीपी करेगा, तो क्या करेगा होगा, ब्रेक डाउन ऑफ एटीपी होगा, ब्रेक डाउन ऑफ एटीपी होगा, और जिसके कारण क्या हो जाएगा, मैलिग्नेंट हाइपोथर्मिया, मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया, हाइपरथर्मिया होगा। तो इस कंडीशन में मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया होता है। तो ये बात हो गया RYR जीन पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में। अब हम देखते हैं अगला, एंजाइम पॉलीमॉर्फिज्म, एंजाइम पॉलीमॉर्फिज्म अलग से पढ़ते हैं, एंजाइम पॉलीमॉर्फिज्म को, एंजाइम पॉलीमॉर्फिज्म में देखो, एंजाइम पॉलीमॉर्फिज्म में पहला देखते हैं एक चीज, इसे पी ग्लाइकोप्रोटीन एंजाइम नहीं है, देखो इसको इसी में देख लो। अभी अगला पॉलीमॉर्फिज्म है, देखो पी ग्लाइकोप्रोटीन पॉलीमॉर्फिज्म, पी ग्लाइकोप्रोटीन पॉलीमॉर्फिज्म। इस केस में क्या होता है, ओवर एक्सप्रेशन अगर हो गया पी ग्लाइकोप्रोटीन का, अगर इसका क्या हो गया, ओवर एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन हो गया पी ग्लाइकोप्रोटीन का, तो ये क्या करेगा, रिजल्ट करेगा, रिजल्ट इन ट्यूमर रेजिस्टेंस, रिजल्ट करता है ट्यूमर रेजिस्टेंस करवा देता है, जैसे केमोथेरेपी, केमोथेरेप्यूटिक जो ड्रग होंगी, तो कैंसर को ट्रीट करने ड्रग होंगी, उनमें रेजिस्टेंस बनवा देगा ट्यूमर में, वो काम नहीं कर पाएगी सही से। अगला देखते हैं एंजाइम वाला, एंजाइम पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में बात करते हैं। तो एंजाइम पॉलीमॉर्फिज्म में पहला लिखते हैं थायोप्यूरिन TPMT जीन, TPMT जीन का अगर क्या हो जाए पॉलीमॉर्फिज्म, TPMT पॉलीमॉर्फिज्म, TPMT का फुल फॉर्म है थायोप्यूरिन मेथाइल ट्रांसफरेज। ये एंजाइम से रिलेटेड है इसलिए यहाँ लिखा हूँ, थायोप्यूरिन मेथाइल ट्रांसफरेज। अगर ये डिक्रीज हो जाता है, अगर ये डिक्रीज हो जाएगा तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है, बोन मैरो टॉक्सिसिटी हो जाएगा, बोन मैरो टॉक्सिसिटी हो जाएगा। सिक्स मरकैप्टो प्यूरिन और एजाथियोप्यूरिन का, ठीक है। तो ये टीपीएमटी पॉलीमॉर्फिज्म के बाद में बात हुआ। अगला देखते हैं, इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं, ठीक है, एंजाइम पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में बात हुआ था, ठीक है। अब हम अगला देखते हैं, तीसरा UGT1A1 पॉलीमॉर्फिज्म। इसमें क्या होता है, 28 एलील होते हैं ऑफ ग्लुकोरोनिल ट्रांसफरेज के, ग्लुकोरोनिल ट्रांसफरेज के 28 एलील होते हैं। भैया किस पे ड्रग एक्ट करेगी उसको भी सोचना पड़ेगा,
तो इस कंडीशन में क्या होता है, इरिटोकिन एक ड्रग होता है इंड्यूस्ड न्यूरो क्या होता है यार न्यूट्रोपिनिया होता है इरिनोटेकन इंड्यूस्ड न्यूट्रोपिनिया होता है और डायरिया होता है एंड डायरिया। अगर यूजीटी वन एवन परिवार की जो है इसके कारण क्या होता है इरिनोटेकन इंड्यूस्ड न्यूट्रोपिनिया एंड डायरिया हो जाता है। तो ये बात हो गया, अरे ब्लैक वाला कलर हो गया है। अगला पॉलीमर्फिज्म देखते हैं, चौथा नंबर ये क्या है डाइहाइड्रोपिरिडीन डिहाइड्रोजिनेज डिफिशेंसी हो जाए तो जो फाइव फ्लोरोनिल ट्रांसफरेज टॉक्सिसिटी हो जाती है। अगर डाइहाइड्रोपिरिडीन डिहाइड्रोजिनेज डिफिशेंसी हो जाती है तो फाइव फ्लोरोनिल ट्रांसफरेज टॉक्सिसिटी हो जाती है। ये बात हुआ कुछ। अब हम पढ़ते हैं CYP2 के बारे में। अगला है चौथा, पांचवा नंबर क्या है CYP2D6 पॉलीमॉर्फिज्म। एक काफी कॉमन होती है एक जीन है CYP2D6 जीन पॉलीमॉर्फिज्म। इसमें क्या होता है जो ये जो मेटाबोलाइज करती हैं, ये क्या करती हैं मेटाबोलाइज जो CYP2D6 होता है ये मेटाबोलाइज करते हैं एंटीसाइकेट्रिक ड्रग्स का क्या करते हैं मेटाबोलिज्म। ठीक है, अब मान लीजिए जो इसीलिए ध्यान रखना जब ड्रग अगर CYP2D6 टारगेटेड ड्रग दिया जाता है तो हमको इनकी CYP2D6 का जो जीनोटाइपिंग है वो अच्छे से पता होना चाहिए, इसलिए जीनोटाइपिंग पता होना चाहिए। तो मैंडेटरी CYP2D6 जीनोटाइपिंग इन मायोक्लिनिक्स निक्स बिफोर प्रिस्क्राइबिंग मैंडेटरी होता है इसका जीनोटाइपिंग अगर हम प्रिस्क्राइब कर रहे हैं किसी को ड्रग। तो ये बात हो गया, इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। उसके बाद में देखो अगर मान लो डिग्रीज हो गया CYP2D6 तो ये मेटाबोलाइज कर रहा था एंटी डिप्रेसेंट एंटी साइकेट्रिक ड्रग को, तो ये क्या करेगा भैया मेटाबॉलिज्म क्या हो जाएगा डिग्रीज तो टॉक्सिसिटी ऑफ ड्रग इंक्रीज हो जाएगा। अगर ये डिग्रीज हो जाएगा टॉक्सिसिटी ऑफ दीज ड्रग जो ये बताए हैं टॉक्सिसिटी इंक्रीज हो जाएगा और जो एक्टिवेशन ऑफ टामोक्सीफेन क्या हो जाएगा डिक्रीज, जिसके कारण
इंडोक्सीफेन भी क्या हो जाएगा डिक्रीज, इंडोक्सीफेन क्या हो जाएगा डिक्रीज, इंडोक्सीफेन अगर डिक्रीज हो गया तो ये इनहिबिशन करेगा एस्ट्रोजन रिसेप्टर इंक्रीज, क्या करेगा इनहिबिशन डिक्रीज कर, डिक्रीज इनहिबिशन ऑफ एस्ट्रोजन रिसेप्टर इंक्रीज्ड। अब इनहिबिशन नहीं हो रहा एस्ट्रोजन रिसेप्टर का ब्रीस्ट में तो क्या होगा, टाइमोक्सीफेन फेलियर हो जाएगा, टाइमोक्सीफेन फेलियर हो जाएगा, ये बात हुआ। और इसमें कुछ और चीजें लिखते हैं, और चीजें लिखते हैं, अगर डिग्री, अरे यार तू भी डिक्रीज हो गया भाई ना, डिक्रीज हो सी वाई पी टू वी सिक्स, अगर ये डिक्रीज हो गया, अगर ये डिक्रीज हो गया तो मोटो प्रोलोन और डिब्रिसोक्यून ड्रग जो है इसका इसका मेटाबॉलिज्म क्या हो जाएगा डिक्रीज, मेटाबॉलिज्म क्या हो जाता है डिक्रीज, मेटाबॉलिज्म क्या होता है डिक्रीज, जिसके कारण सॉरी हाँ मेटा मोटोप्रोलोन या डिब्रिसोक्यून का मेटाबॉलिज्म डिक्रीज हो जाता है अगर सी आई पी टू डी सिक्स डिक्रीज हो जाए तो। साथ में कोडीन जो होती है वो फेल कर जाती है टू प्रोड्यूस एनाल्जेसिया, कोडीन फेल टू प्रोड्यूस एनाल्जेसिया, और क्यों फेल कर जाती है, क्योंकि जो सी वाई पी टू डी सिक्स है ये आवश्यक होता है कोडीन से मॉर्फिन निकालने के लिए, तो कोडीन से मॉर्फिन निकलेगा तभी एनाल्जेसिया होगा, तो कोडीन से मॉर्फिन नहीं बन पाता है, मॉर्फिन नहीं बन पाता है, इसीलिए एनाल्जेसिया का इफेक्ट जो होता है प्रोड्यूस नहीं होता है। ये बात हुआ सी वाई पी टू डी सिक्स प्रोटीन के बारे में, फिफ्थ नंबर पे थी। अब अगला सी वाई पी देखते हैं जो है सेवेंथ नंबर पे, सी वाई पी टू सी नाइन के बारे में, अगला है सिक्स नंबर सी वाई पी टू सी नाइन पॉलीमॉर्फिज्म। इसमें क्या होगा, ये वारफेरिन को वारफेरिन का मेटाबॉलिज्म करवाती है, वारफेरिन का स्लो मेटाबॉलिज्म करवाती है, वारफेरिन मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होती है और स्लो करवाती है, और ये अगर आउट कम हो गई तो क्या होगा, वारफेरिन मेटाबॉलाइज ना होगा, टॉक्सिसिटी काज करेगा और ब्लीडिंग करवाएगा, तो ये बात होता है इसमें। तो देखो अगर मान लो सी वाई पी टू सी नाइन डिक्रीज हो गया तो वारफेरिन का मेटाबॉलिज्म भी क्या हो जाएगा डिक्रीज, मेटाबॉलिज्म ये वाला होता है, मेटाबॉलिज्म भी क्या हो जाएगा डिक्रीज, मेटाबॉलिज्म डिक्रीज होगा तो ब्लीडिंग करवाएगा, टॉक्सिसिटी हो जाएगा वारफेरिन का, और क्या करवाएगा ब्लीडिंग। अगर देखो जो सी वाई पी टू सी नाइन पी है वो मोर आर लेस पावरफुल हो सकती है, जिसके कारण वारफेरिन का जो इफेक्ट है वो वेरिएबल होता है, वारफेरिन का इफेक्ट जो होता है वेरिएबल होता है। तो ये सी वाई पी टू सी नाइन के बारे में बात हुआ। अगला बात करते हैं इसी अगले के बारे में, भाई तू ही थोड़ी पड़ेगा, तू ही थोड़ी बहुत है। अगला है सत्रह नंबर, एक सी आई पी और है भैया सी वाई पी, तो सी वाई पी टू सी वन नाइन पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में, ये एक्टिवेट करती है क्लोपी दो जेरेन को, और ये डिक्रीज होगी तो भैया इसका एक्टिवेशन कम होगा, किसका क्लोपी दो जेरेन का, एंटी ड्रग फेलियर होगा, तो ये सिंपल सी बात है। अब मान लो ये क्या है, लेस पावरफुल है तो मेटाबॉलिज्म भी क्या हो जाएगा, तो एक्टिवेशन क्या हो जाएगा क्लोपी दो जेरेन का, कम हो जाएगा, तो जो एक्टिवेशन है वो डिक्रीज हो जाएगा, एक्टिवेशन क्या हो जाएगा डिक्रीज, किसका है आप लिख लेना आप लोग, क्लोपिडोजेरेन का, ठीक है, एक्टिवेशन क्या हो जाएगा डिक्रीज, एक्टिवेशन अगर डिक्रीज हो गया तो क्या होगा, ये रिस्क काउज करेगा, इंक्रीज रिस्क फॉर मायो
कार्डियल इन्फेक्शन, इंक्रीज हो जाएगा रिस्क फॉर मायोकार्डियल इन्फेक्शन के लिए। तो ये बात हुआ सीवाईपी 2C19 के बारे में। राय की कोई ब्यूरो, किसी ब्यूरो का कोड है इंटेलिजेंस एजेंसी का। देखो अगला बात करते हैं एट नंबर बात करते हैं, वो है ब्यूटाइल नहीं G6PD डिफिशिएंसी। देख लेते हैं ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रोजनेज पॉलीमर के बारे में बात करते हैं। इसमें डिफिशिएंसी होती है इसकी। तो जो G6PD डिफिशिएंसी हो गया, अगर डिफिशियंट हो गया, कम हो गया, तो फ्री रेडिकल इंजरी करवाएगा RBCs का और उसका हो जाएगा हीमोलिसिस। क्या हो जाएगा? फ्री रेडिकल इंजरी ऑफ RBCs होंगी और लास्ट में क्या हो जाएगा? हीमोलिसिस। क्या हो जाएगा? हीमोलाइसिस करवाएगा। अब जो ड्रग करवाती हैं उनको यहाँ पर देख लेते हैं। एग्जाम्पल है ड्रग का जो डिफिशेंसी का करवाती है, G6PD का, और हीमोलाइसिस करवाती है RBC का। उसमें भैया एस्पिरिन है पायरीमेथामाइन, आइसोनियाजाइड है, सल्फोनामाइड है, सल्फासेलाजीन है, प्रोगुआनिन है, कितना नाम होगा भैया, मेनाडियोन है, और क्या था, डेफ्शोन हुआ। ये सब G6PD डिफिशेंसी करवाते हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड हुआ, नाइट्रोफूरा टोइन है। ये सब ड्रग होती हैं। और तो एक तो मेन भूल ही गए, एंटी मलेरियल ड्रग। एंटी मलेरियल इसके प्राइमा क्यून जोड़ टेफेनोक्यून और क्लोरोक्यून। जो प्राइमा क्यून और टेफेनोक्यून होता है ये ज़्यादा पोटेंट होता है, मतलब ज़्यादा करवाएगा G6PD डिफिशेंसी और हीमोलाइसिस। तो ये बात हुआ G6PD के बारे में, अब अगला हम पढ़ते हैं, अभी खत्म नहीं हुआ है, वो सोच रहे थे क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। अगला देखते हैं, नाइन्थ नंबर ठीक है, जो है ब्यूटाइल कोलिनेस्टेरेज पॉलीमर्फिज्म, इसको स्यूडो कोलिनेस्टेरेज भी कहते हैं। जो ब्यूटाइल कोलिनेस्टेरेज होता है वो प्लाज्मा में मेटाबोलाइज करता है सक्सलिन कोलिन को। किसको मेटाबोलाइज करता है? जो ब्यूटाइल कोलिनेस्टेरेज होता है, ये जो कोलिनेस्टेरेज होता है ये मेटाबोलाइज करता है सक्सिनिल कोलीन इन प्लाज्मा। अब अगर ये मेटाबॉलिज्म ना हो पाए सक्सिन कोलीन का, अगर ये जो मेटाबॉलिज्म है ये ना हो पाए, अगर मेटाबॉलिज्म डिक्रीज हो जाए, मेटाबॉलिज्म डिक्रीज हो जाए सक्सिन कोलीन का प्लाज्मा में, तो क्या होगा?
इफेक्ट जो होगा इसका प्रोलॉन्ग्ड हो जाएगा, इफेक्ट प्रोलॉन्ग्ड और क्या कार्य करेगा, एपनिया, एपनिया नहीं, इफेक्ट प्रोलॉन्ग्स और एपनिया हो जाएगा। ठीक है, ब्यूटाइल कोलिनेस्टेरेज के बारे में बात हो गया, पॉलीमर्टिज के बारे में बात हो गया। अगला बात करते हैं एन एसिटिल ट्रांसफरेज, नंबर एन एसिटिल ट्रांसफरेज टू आर वन, एन एसिटिल ट्रांसफरेज पॉलीमर को देखते हैं। इसमें इसको नेट कह सकते हो ना, नेट, तो इसमें नेट वन और नेट टू, नेट टू दो होते हैं। जो नेट वन होता है वो फास्ट एसिटाइलेशन करवाता है, फास्ट एसिटाइलेटर है, और जो नेट टू है वो स्लो एसिटाइलेटर है। तो हम पहले देखते हैं नेट वन में जो क्या है कि नेट वन जीन और यह है नेट टू जीन, ये करवाता है फास्ट एसिटाइलेशन, उनकी मेटाबॉलिज्म का सेकेंड स्टेप, कंजुगेशन वाले एक्सल होता है ना उसमें योगदान होता है। तो फास्ट एसिटाइलेशन करवाता है, ये करवाता है स्लो एसिटाइलेशन, एसिटाइलेशन। अब जो फास्ट स्टेलाइजेशन करवाएगा तो ये क्या करवा देगा, ड्रग फेलियर से रिलेटेड है, ड्रग फेलियर हो सकता है इसमें भैया, जब तक ड्रग काम की ही नहीं पूरी अपनी तो उसको बाहर निकाल दिए तो ड्रग फेलियर हो सकता है। इसमें अगर स्लो एसिटाइलेशन हो रहा है तो भैया काम तो हो गया लेकिन अब रुकी हुई है, ड्रग तो क्या होगा, टॉक्सिसिटी, टॉक्सिसिटी, तो इसमें ड्रग टॉक्सिसिटी हो सकती है। देखो जो स्लो फास्ट एसिटाइलेटर होते हैं वो हिपेटोटॉक्सिसिटी करवाते हैं, फास्ट एसिटाइलेटर क्या करवाते हैं, हिपेटोटॉक्सिसिटी, हिपेटोटॉक्सिसिटी करवाते हैं। लेकिन ये मेनली क्या करवाते हैं ड्रग फेलोर, लेकिन हिपेटोटॉक्सिसिटी ये करवाते हैं क्योंकि मेटाबोलाइट्स इंक्रीज हो जाते हैं क्या, मेटाबोलाइट्स इंक्रीज होते हैं, इसलिए हिपेटोटॉक्सिसिटी करवाते हैं। वहीं पर जो स्लो एसिटाइलेटर है यानी कि नेट टू, ये क्या करवाते हैं, ये पेरिफेरल न्यूरोपैथी करवाते हैं, क्या करवाते हैं, पेरिफेरल न्यूरोपैथी करवाते हैं। यानी कि हाई लेवल इसमें कब होगा, ये कब होगा, जब हाई लेवल किसका होगा, हाई लेवल ऑफ पेरेंट कंपाउंड्स, हाई लेवल ऑफ पेरेंट कंपाउंड, और कुछ लिखे जैसे कि आइसोनियाजाइड भी करवाती है, ठीक है, आइसोनियाजाइड भी करवाती है। अब जो प्रोकैनामाइन एंड हाइड्रालाजिन इंड्यूस करती है ल्यूपस, ये भी आपका नेट टू के अंदर ही आएगा। तो चलो ये खत्म हुआ भाई, देखो पसीना हो गया हूँ इसके मेहनत से यार, लाइक तो बनता ही है यार, पंखा नहीं चला सकते क्योंकि आवाज़ आई आपको सुनाई नहीं पड़ेगी, तो हद है पंखा गर्मी की। तो चलो लाइक तो कर दो यार, ठीक है, धन्यवाद।